बहुत बहुत स्वागत है जी सारे का। कैनेडा ने अपना डिसीजन देता 6 ओवरऑल करता, बट हुण वड्डा सवाल यह है ऑफर लैटर कॉलेजेस ने देनी है, कॉलेजेस का क्राइटीरिया प्रेजेंटली की कहता। सो सब तो पहला तो यह डिस्कस करांगे कैनेडा के मेजर कॉलेजेस का अज की डेट के क्राइटीरिया की कहता है, यह भी डिस्कस करांगे कि की चांसिस ने क्राइटीरिया चेंज होने के। आज दे साडे गेस्ट ने वीजा ऑफिस तो सीनियर कंसल्टेंट स्नेहा शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी। सो स्नेहा जी, चेंजेस तो बाद या चेंजेस अनाउंस होने तो बाद जो दे अनाउंस होए ने कॉलेजेस दे क्राइटेरिया च कोई बदलाव दिखिया? सर देखो, हुन एक बहुत वड्डा यही नेक्स्ट चैलेंज हैगा, नो डाउट लैंग्वेज टेस्ट वाली क्लैरिटी सारियां नु हो गई आ, बट की हुन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस इस क्राइटेरिया नु एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि नो डाउट 5.5 वीक दे विच हैगा, ओदे लिए तो ऑप्शंस पहले भी अवेलेबल सी, बट स्टूडेंट अपना रीअप्लाई आईएलटीएस दोबारा करता सी, क्योंकि उन्हें पता सी कि 5.5 ते वीज़ा लेना चैलेंजिंग हो जाता, और वो जो 5.5 वाले प्रोग्राम सी वो मैक्सिमम बैचलर्स ली सीगे, उन्होंने स्टिल रिक्वायरमेंट्स हैगियां वा, बट की हुन मास्टर्स प्रोग्राम्स ली या जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास करन जाने उन्होंने क्राइटीरिया चेंज होएगा, क्योंकि उन्होंने लैवल एक अलग हुंदा वा। सो उहदे लिए लेट्स सी, हाले तक कॉलेजेस दे नाल मेल्स हो रही वा, बट हाले मैक्सिमम जिहड़े कॉलेजेस हैगे उन्होंने वालों कोई इदा दा अपडेट नहीं आया वा। सो उस चीज़ लिए स्टूडेंट नू वेट करना पएगा, जिदा जिदा जो भी क्राइटीरियाज आएंगे असीं शोज दे थ्रू तुहानू जरूर दसांगे। सो जनवरी इनटेक की गल कर लें, प्रेजेंटली जिहड़े स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं अपलाई करन वास्ते, जनवरी इनटेक का किदां दा सिनेरियो है, किन्ना भर गया, किन्नी सीट्स अवेलेबल ने? सर देखो, अगर हम आप जनवरी इनटेक की गल करिए तो मैक्सिमम 70% कॉलेजेस भर चुके हैं। हुन 5.5 वाले अगेंस्ट हुन सारी क्वेश्चनिंग 5.5 नू लेके आ, जिन्हों के 6 ईच आ या अच्छे बैंड्स है उन्होंने तो क्वेश्चनिंग्स है ही नहीं है ना, हुन कन्फ्यूज तो उही स्टूडेंट हैगा। हुन उहदे लिए की एडवाइस हैगी है, उहदे लिए देखो कॉलेजेस जिहड़े हैगे आ 5 वाले तो बहुत चैलेंजिंग आ, 5.5 वाले स्टिल क्राइटीरिया चेंज हुंदा है, ठीक है, बट मेरी परसनली स्टूडेंट्स नू ए एडवाइस हैगी आ कि हाँ, एक स्टूडेंट हो जिहड़ा 4-5 बार आयल्स दे चुका वा, बट उहदे 5.5 एक मड्यूल च रह जांदे या 2 च रह जांदे आ, बट ऑल ओवर गुड आ जांदे आ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਲਗਾਵੇ, ਬਟ ਜਿਹਨੇ 1-2 ਵਾਰ ਆਇਲਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਸੀਟਸ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਾਂਚ ਕਰੀਏ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਕੇਸ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਟ ਤੋਂ, ਡੋਂਟ ਵੇਸਟ ਯੂਅਰ ਟਾਈਮ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਗੈਪ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ +2 ਵਾਲਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾਈਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਹੁਣ 5.5 ਜਾਂ ਆਲ ਓਵਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਹੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ। ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਲੀ? ਸਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਲੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਦਇਨ ਵੀਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ, ਬਟ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਇਹਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।